सिटीजनशिप एक्ट पर तो विरोध जारी है ही, लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR पर भी घमासान मचा हुआ है। भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने देश को NPR का मकसद समझाया हो, लेकिन विपक्ष अमित शाह के दावों पर कई सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने NPR को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। CM से हुई मुलाकात के बाद ओवैसी ने मीडिया के सामने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी माना नागरिकता कानून संविधान के खिलाफ था और इसी वजह से तेलंगाना राष्ट्र समिति ने पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि CAA और NPR के खिलाफ जल्द ही सर्वदलीय बैठक की जाएगी। हमने उन्हें बताया कि NPR और NRC के बीच कोई अंतर नहीं है। हमने उन्हें गृह मंत्रालय के कुछ दस्तावेज भी दिखाए जिसमें इस बात को दर्शाया गया है कि NPR NRC से पहले का कदम है। ओवैसी ने आगे यह भी कहा कि अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं। NPR के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए देश की सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ रहेंगी। इससे पहले एक इंटरव्यू में अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि NPR और NRC के बीच दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शाह ने बताया था कि NPR जनसंख्या का रजिस्टर है, इसके आधार पर अलग अलग योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाएगा। वहीं NRC में हर व्यक्ति से प्रूफ मांगा जाता है कि आप किस आधार पर भारत के नागरिक हैं। लेकिन शाह के इतना समझाने के बाद भी NPR को NRC का हिस्सा तमाम विपक्षी दल बता रही है और कहीं न कहीं आम जनता भी शायद विपक्ष के विरोध के चलते इन मुद्दों के सही मकसद को नहीं समझ पा रही। टीम खबर अपडेट।